Hello, welcome back, and let's continue with the book Men Are From Mars and Women Are From Venus. So let's explore its second chapter. तो second chapter का नाम है Mr. Fix-It and Home Improvement Committee. अब नाम से तो पता चल ही गया होगा कि Mr. Fix-It किसके लिए और Home Improvement Committee किसके लिए. तो शुरू ऐसा होता है कि जो वुमेन्स हैं वो उनको मेन से एक ही प्रॉब्लम रहती है कि वो उनकी सुनते नहीं हैं. अगर सुनते भी हैं तो वो बहुत कम देर के लिए सुनते हैं, और जितना भी उन्होंने सुना तो वो एनालाइज कर लेते हैं एट वंस कि इसको यार ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है. तो जैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, फिर वो क्या करते हैं, अपनी मिस्टर फिक्स-इट कैप डाल के ना, तो उसी टाइम उनको सोल्यूशन दे देते हैं. पर वुमेन को शी नीड्स एम्पैथी एट अ टाइम एंड ही गिव्स हर सोल्यूशन. तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. ऑन द अदर हैंड जो मेन हैं उनको वुमेन से एक ही चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि वुमेन्स दे आर ऑल द टाइम आर ट्राइंग टू चेंज हिम. उसको चेंज करने की कोशिश करती रहती हैं वुमेन्स कि ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये आपने ठीक नहीं किया, आप ऐसा उसको कर सकते थे तो थोड़ा बेटर हो सकता था. ठीक है ना, बात क्या होती है ना कि दे वुमेन्स दे लव मैन है ना, तो उनको लगता है कि अगर वो छोटी छोटी चीज़ों में उनको असिस्ट करेंगी तो शायद वो जैसी चीज़ें करते हैं वो उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेंगे. तो वो एक तरह की ना होम इम्प्रूवमेंट कमेटी बना लेती है. और होम इम्प्रूवमेंट कमेटी में प्राइमरी फोकस कौन होता है, प्राइमरी फोकस उसका हबी होता है यार, उसका हस्बैंड ही होता है उसके फोकस में. तो शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज हिम जहाँ पे शी नीड्स टू एक्सेप्ट हिम कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है वो चीज़. वुमेन को लगता है कि वो अपने मेन को नर्चर कर रही है, पर मेन को लगता है दैट ही इज़ बीइंग कंट्रोल्ड. ऑल ही नीड इज़ हर एक्सेप्टेंस. नाउ लेट्स एक्सप्लोर लाइफ ऑन मार्स. तो वो कोई प्लैनेट है, उसके अपने वैल्यूज़ होते होंगे, वहाँ के लोग कुछ तरह का सोचते होंगे. ऐसे ही मार्शियंस की कुछ वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ मेन की. मार्शियंस दे वैल्यू पावर, कॉम्पिटेंसी, एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट. तो दे आर मोर ऑफन इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग रादर देन पीपल एंड फीलिंग. तो मार्शियंस के लिए अचीविंग गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनके लिए वही एक तरीका है जहाँ पे वो अपनी कॉम्पिटेंस को शो करते हैं, और वही एक तरीका है जब वो कोई भी गोल अचीव करते हैं अपने बलबूते पे तो दे फील गुड अबाउट देम सेल्फ. और अपना काम खुद करना, उसको अचीव करना, ये उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है. तो कोई भी बिन मांगी हुई एडवाइस उनको देना, उनको ऐसे लगता है हम इनकम्पिटेंट हैं और इसलिए हमें ये एडवाइस दी जा रही है. सो मार्शियंस दे नेवर वेलकम एडवाइस unless and until they need one. तो जब मार्शियंस को लगता है अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जब मार्शियंस को जब वो अपना 100% दे देते हैं उस चीज़ को, फिर अगर उनको लगता है कि ये चीज़ उनसे नहीं सॉल्व हो रही है, देन दे विल ओपन अप टू समवन जिसको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, प्रॉबब्ली अनदर मार्शियन. ठीक है, और फिर अनदर मार्शियन अपनी मिस्टर फिक्स-इट कैप पहन के उनको एक अच्छी एडवाइस या बोलो ज्वेल ऑफ एडवाइस देता है. लेट्स सी हाउ द लाइफ ऑन वीनसेस. तो वेनुशियंस या वुमेन्स की भी अपनी लाइफ है, उनके भी अपने वैल्यूज़ हैं. तो वेनुशियंस या वुमेन जो हैं दे वैल्यू लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी एंड रिलेशनशिप्स. तो कम्युनिकेशन जो है वो उनका एक प्राइमरी सोर्स है, उसके बिना वो मतलब दैट इज़ सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल.
तो वेनिशियंस उनका एक बहुत अच्छा ट्रेड है दैट दे स्टडी साइकोलॉजी एंड सब ने इसमें मास्टर डिग्री हासिल की है कि वो अगले बंदे की साइकोलॉजी पढ़ लेती हैं और किसको क्या चाहिए वो फिर बिन मांगे उनकी नीड्स को वो प्रोवाइड करती हैं. दिस इज़ अ वे ऑफ शोइंग लव टू अनदर वन फ्रॉम वेनुशियंस. वेनुशियंस का ये एक तरीका है प्यार दिखाने का. जो वेनुशियंस थे जो है ना, तो वो दे आर मोर इन्वॉल्व्ड इन पर्सनल ग्रोथ इन स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग दैट नर्चर्स लाइफ. हर वो चीज़ जो लाइफ को नर्चर करे वेनुशियंस बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं उसके लिए. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. तो टॉम एंड मैरी जो है ना, दे आर हस्बैंड वाइफ्स. नाउ व्हाट हैपन्स, दे आर गोइंग टू अ पार्टी. उनको एक पार्टी में जाना है तो वो घर से निकल देते हैं. तो टॉम जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो ड्राइव कर रहा है तो मैरी नोट करती है कि हमें 20 मिनट हो गए हम एक ही ब्लॉक में घूमी जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि टॉम को रास्ता भूल गया, तो लेट मी गिव हिम एडवाइस. तो जैसे ही मैरी उसको बोलती है कि आप एक ही ब्लॉक में घूमे जा रहे हो, आप यहाँ पे ले लो, आप साइड पे ले लो, शायद आप रास्ता भूल गए हो, तो वो उसको एडवाइस करती है. तो उस टाइम तो टॉम ही बिकम साइलेंट, वो शांत हो जाता है उसी टाइम के लिए. और उसके बाद एनी हाउ वो पार्टी में पहुंचते हैं, बट एक टेंशन रहती है टॉम के मन में भी और मैरी के मन में. टॉम के मन में ये कि ही वॉज ऑफर्ड एडवाइस कि उसको बिन मांगे कि एक सलाह मिल गई. वो हमने अभी देखा कि लाइफ ऑन मार्स कैसे है, कि वो मार्शियंस को दे डू नॉट वेलकम, कि उनको कोई बिन मांगी हुई सलाह दे उनको वो अच्छी नहीं लगती. और फिर मैरी सोचती है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इनको, ये इनका मूड कैसे ख़राब है. तो ये टेंशन रहती है उनके बीच में. नाउ व्हेन अ वुमेन एडवाइस मेन समथिंग, जब वेनुसियन कोई भी एडवाइस देती है मार्शियन को, शी हैज़ नो आइडिया हाउ अनलविंग शी इज़ शी मे साउंड, कि वो कितना ऑकवर्ड मार्शियन को लग सकता है. तो ऑन द अदर हैंड मार्शियन क्या सोचते हैं कि इफ़ शी कैन नॉट ट्रस्ट मी टू गेट हर टू अ पार्टी, अगर ये इतना सा भी मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रही है कि मैं इसको पार्टी में अपने बलबूते पे पहुंचाऊंगा, एक छोटी सी बात के लिए ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो हाउ शी विल ट्रस्ट मी फॉर द बिगर थिंग्स. तो कल को कोई बड़ी बात होगी तो ये मेरे को ट्रस्ट कैसे करेगी. तो ये देखो कितने डिफरेंट पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव है. फ्रॉम मेरी साइड शी वॉज शोइंग हर लव, कि हम जल्दी पहुंच जाएं, कि मैं थोड़ी एडवाइस कर देती हूँ. एंड फॉर हिम ही वॉज थिंकिंग कि अगर मैं इतना छोटा सा काम नहीं खुद से कर सकता या ये मेरे को ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो बड़े कामों के लिए कैसे शी विल ट्रस्ट मी. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब टॉम एंड मैरी की ही एग्जांपल, बट एक अनदर सिचुएशन. मैरी जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड घर आती है अपने काम से. तो टॉम बैठा होता है तो मैरी बोलती है आई हैड अ वेरी, मेरा दिन बहुत गंदा था आज, तो आज बहुत काम था. तो टॉम बोलता है व्हाई डोंट यू क्विट योर जॉब, अपनी जॉब छोड़ दो. तो वो कहती है बट आई लव माय जॉब. बट क्या होता है कि वो हमेशा मुझे ना 2 मिनट का नोटिस देते हैं और कहते हैं अभी चेंज कर दे. तो वो टॉम बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं जैसे भी बोलते तुम अपना काम किया करो. वो कहती है मैं अपना काम करती हूँ हमेशा. तो जैसे जैसे वो बात कर रही होती है कहती है ओह आज तो मैं अपनी आंटी को भी कॉल करना भूल गई. तो वो कहता है डोंट बॉदर अबाउट योर आंटी, अपनी आंटी के बारे में सोचना बंद करो. तो वो बोलती है आपको पता भी है व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, बहुत टफ टाइम्स चल रहे हैं. तो कहते हैं कि या तो तुम आंटी को देख लो या तो हम अपनी जॉब देख लो. तो तुम वो फिर कहते हैं तुम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचती रहती हो इसलिए यू आर अनहैप्पी. तो फिर मैरी बोलती है आई एम नॉट अनहैप्पी ऑलवेज, मैं हमेशा दुखी नहीं रहती हूँ, देर आर सम डेज जब मैं दुखी होती हूँ. तो ऐसे ऐसे बोलते बोलते एक दूसरे को एंड में क्या होता है, मैरी गेट्स मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड टॉम ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड. उसको भी समझ नहीं आता ये क्या हुआ. अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में ना सिचुएशन अलग हो सकती थी,
जब वो मैरी और टॉम ड्राइव कर रहे थे, तो उस टाइम जब मैरी को लगा कि ये घूम ही जा रहा है एक ही ब्लॉक में, उस टाइम मैरी को सोचना है कि हाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मार्शियन टू अकम्प्लिश गोल. उसके लिए गोल अकम्प्लिश करना बहुत ज़रूरी है. तो उसको उस टाइम पेशेंस रखनी है अपने आप पे, और ये ट्रस्ट दिखाना है कि यार ये मेरे को पहुंचा देगा, ही विल गेट मी टू द पार्टी. ठीक है, ये पहली सिचुएशन में ऐसी चेंज हो सकती थी. सेकेंड सिचुएशन भी चेंज हो सकती थी, जैसे जब मैरी घर आती है तो बोलती है आई हैड अ बैड डे, तो टॉम बोल सकता था ओके, तो कि आप सबका कितना ध्यान रखते हो, आप आंटी का भी ध्यान रख रहे हो अपनी, तो यू आर सच अ लविंग पर्सन, यू नो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू नो कम गिव मी अ हग एंड जस्ट रिलैक्स. तो एट दैट टाइम जस्ट लिसनिंग टू हर एंड गिविंग हर लाइट स्लाइट हग कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. रिमेंबर वेनुशियन विल ओनली कम टू मार्शियन, उसको वो तभी आएगी कि उसको बस एक पार्टनर चाहिए कि उसको वो थोड़ा सुने और जस्ट अंडरस्टैंड विद एम्पैथी. और अबाउट सेकेंड चैप्टर दैट इज मिस्टर फिक्सिट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी. स्टे ट्यून फॉर मोर इनसाइट्स ऑफ दिस बुक, देर इज लॉट मोर टू कम. डू कमेंट, डू शेयर, डू लाइक माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.